सिलवानी में जर्जर हो चुका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन खुद वेंटिलेटर पर पहुंच गया। जहां तरफ बारिश का पानी टपक रहा है, वहीं वार्डों में पानी टपक रहा। वार्ड में टपक रहे पानी से भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि एक पलंग पर 3 से 4 मरीजों को बैठाकर उपचार किया जा रहा है। सिलवानी के अंतर्गत 246 गांव आते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी में एक साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा मरीज गंभीर बीमारी से लेकर मौसमी बीमारी के उपचार के लिए आते हैं। करीब 17 साल पूर्व नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया था। तहसील के 1.5 लाख से अधिक की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने की जिम्मेदारी संभाले तहसील का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो स्वयं ही वेंटिलेटर के सहारे है। करीब 17 साल पूर्व बना भवन न केवल जर्जर हो गया, बल्कि क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बारिश का पानी भी छत से टपक रहा है। पानी छत से टपकने के कारण भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत से लगातार टपक रहे पानी से भर्ती मरीजों के कपड़े न केवल गीले हो रहे हैं, बल्कि दवाइयां भी पानी लगने से गीली हो गई। ऐसा नहीं है कि मात्र वार्ड की छत में ही पानी टपक रहा है, बल्कि कर्मचारियों के बैठने वाले कक्ष में भी पानी टपक रहा है। पानी टपकने के कारण न केवल वार्ड में रखे पलंग पानी लगने से गीले हो रहे हैं, साथ ही पलंग पर बिछे गद्दे भी पानी लगने से खराब हो गए। वहीं आज तक इन मरीजों की सूद किसी भी जिम्मेदार प्रतिनिधि ने नहीं ली और नेता यहां सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। हम सर्रा से आए हैं 10 दवाई डिलीवरी कराने के लिए। इधर आए हैं हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल सब मरीज चुचा रही है, तो एक एक पलंग पे 4-4, 5-5 जनी बैठी है नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी नहीं। सिलवानी ब्लॉक की पॉपुलेशन 1,54,554 है और यहाँ पे साल में लगभग 1 लाख मरीज आ जाते हैं, और इस समय बरसात में पानी बहुत ही ज़्यादा टपक रहा है, तो हम मरीजों को लिटा भी नहीं पा रहे हैं, उनका कोई उपचार भी नहीं दे पाते सही ढंग से, और मरीजों को हम रेफ़र ज़्यादा करते हैं इस समय। और हमारे पास 30-बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हम 10 बेड हमारे NRC वार्ड को हैं, 10 सामान्य मरीजों के लिए हैं और 10 जो है लेबर वार्ड के लिए हैं। अब हमको नए भवन की आवश्यकता थी, नया भवन है नहीं है, पुराने भवन में काम चलाऊ काम होता रहता है किसी तरह से। आपने मांग करी है कि शासन से हम कई बार मांग कर चुके, लेकिन हमें नया हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा है, ना उसको सिविल बनाया जा रहा है। हम ये चाहते कि हमारे हॉस्पिटल का विस्तार हो, ताकि हमारे 246 गांव से आने वाले मरीजों को उपचार में सुविधा हो सके। रायसेन से नौशे खान की रिपोर्ट।